नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फरुखाबाद में आम आदमी पार्टी ने दलित सरकार के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जमकर नारेबाजी करती हुई नजर आई है और आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी का ये जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये फरुखाबाद की तस्वीर जहां पर अनोखे तरीके से आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आ रही है। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जमकर आम आदमी पार्टी तमाम जगहों पर नारेबाजी कर रही है और यह फरुखाबाद की तस्वीर है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र स्थित बीजेपी नेता एक महिला ने इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल कर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वायरल वीडियो में महिला बीजेपी नेता ने कहना है कि उनके परिवार के लोग ही उनके शोरूम पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन थाना सिकंदरा पुलिस उनकी मदद नहीं कर पा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ज्योति चंदेल ने इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल करते हुए कहा है कि उन्हें न्याय की गुहार लगाती नजर आई है और वायरल वीडियो के अनुसार चंदेल का कहना है कि सिकंदरा की अर्तोनी स्थित हीरा लाल के प्याऊ में एक फर्नीचर शोरूम है और बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष ज्योति चंदेल ने आरोप लगाया है कि उनका ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा है। मेरा थाना जो सिकंदरा थाना लगता है हीरा लाल के प्याऊ अर्तोनी आगरा में मेरा शोरूम है लव एंड आइस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मदद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि आज जो मेरे साथ घटना हुई है उसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसा क्यों हुआ है। मैं अपना शोरूम 3 या 4 साल से चला रही हूँ। आज अचानक सुबह 6:30-7 बजे के बीच में जब मैं जागी तो मैंने देखा कि मेरा कैमरा बंद है और जब कैमरा बंद था तो मैंने कैमरे को देखा तो उसमें मैंने ये पाया कि मेरा लोहे का दरवाजा पूरा कटा हुआ है, ताले समेत पूरा दरवाजा ही गायब कर दिया है इन लोगों ने। जब मेरी बेटी बाहर गई देखने के लिए तो उन्होंने सड़क पे खींच के उसके साथ मारपीट की, उसके साथ अश्लील हरकतें की। इसमें जो मेन किरदार है वो गोपाल सिंह का है। गोपाल सिंह इसमें सब महिलाओं को लेकर मेरे शोरूम पे पूरा कब्जा करना चाहता है, जिसमें वो पहले भी उसने पूरी पूरी कोशिश करी है। झांसी में तेज रफ्तार आ रही कार ने खड़े हुए अधिवक्ता को जोरदार टक्कर मार दी है। पूरा मामला झांसी के कचहरी चौराहे का है, जहां पर इलाइट चौराहे से कचहरी की ओर आ रही एक कार बिना नंबर के अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसमें वहां पर खड़े अधिवक्ता रोहित यादव को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारकर इतनी जोरदार थी कि रोहित यादव अधिवक्ता की उंगली तक टूट गई है। उससे कई गंभीर चोटें आई है और वहां मौजूद लोगों ने अधिवक्ता को किसी तरीके से अस्पताल में भर्ती कराया है। मऊरावनीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला नई बस्ती में रहने वाले लोग ने सुबह सुबह पेड़ पर एक युवक का शव लटका हुआ देखा है, जिसके बाद से मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। तो वहीं मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शनाख्त के लिए भेज दिया है और साथ ही बता दें कि मृतक की पहचान दीपक कुशवाहा बेटे खेतई कुशवाहा निवासी ग्राम लार थाना जतारा जिला टीकमगढ़ के रूप में हुई है। साथ ही बताया जा रहा है कि पिछले 10 से 12 दिनों से अपने ससुराल में वे रह रहा था। कासगंज लोकसभा बता दें कि बीजेपी सांसद राजीव सिंह उर्फ राजू भैया के बजट को लेकर कासगंज में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है, साथ ही बता दें कि उन्होंने बजट की उपलब्धियों को बताते हुए पत्रकारों के सामने बजट पर बोलते हुए सांसद राजीव सिंह ने कहा है कि ये जो बजट है उनकी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट बजट है। देखिए, ये जो बजट है मेरी अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट बजट है। इसमें गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार नौजवान, छात्र छात्राएं, उद्यमी, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा है जिसमें इस बजट में कुछ न कुछ उसको राहत ना मिली हो। चाहे पेयजल का है, चाहे बिजली का है, चाहे स्कूल का है, चाहे हॉस्पिटल का है, चाहे मेडिकल कॉलेज का है, चाहे एयरपोर्ट का है, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं बची है जो इस बजट में समायोजित ना हो।
बुंदेलखंड के निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें जिला अधिकारी के माध्यम से भेंट किया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, दतिया और निवाड़ी को मिलाकर बुंदेलखंड के विकास प्राधिकरण का गठन किया। इन्हीं समस्त जिलों को बुंदेलखंड मानकर केंद्र सरकार के बुंदेलखंड पैकेज दिया गया था। महुआ में टीवीएस एजेंसी और पेट्रोल पंप मालिक के आवास पर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि वही घर से रखी हुई तकरीबन 58 लाख रुपए की नकदी और साथ ही 75 लाख कीमत के सोने, चांदी, जेवरात लेकर अज्ञात चोर फरार हो गए हैं। व्यापारी सपा सरकार के पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू के भाई है। शहर में बड़े व्यापारी के घर पर हुई बड़ी चोरी की वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप समझ गया। एसपी, एसएसपी सहित थाना पुलिस और सिविल लाइंस की टीम ने मौके पर पहुंची और चोरी बीती रात की बताई जा रही है। ना चौकीदार सोता रहा और चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम भी दे दिया। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। वहीं एसपी ने चोरी के खुलासे को करते हुए 4 टीमों का गठन किया है और साथ ही सिविल लाइंस टीम भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं नहीं है पता, 1 बजे भाई ये रात के बता रहे हैं। क्या हो रहा था यहाँ पे जब चोरी हुई है? हमने जब पता हो जब किसके यहाँ आप चौकीदारी करते हैं? यही साहू जी के। नाम बताइए। चंद्रशेखर, बता तो दिया है। क्या हो रहा था घर में? यहाँ कोई काम वाम हो रहा था क्या? काम वाम कुछ नहीं हो रहा। कुछ कोई जानकारी तो होगी आपको, कब क्या? आप कहाँ थे जब ये चोरी हुई? हम तो ऊपर लेटे थे, सो गए थे। जानकारी होती तो बता ना देते। माल 2 दिन बैंक होने के कारण सभी प्रतिष्ठानों का हमारा कैश व अपना पर्सनल कैश लगभग 98 लाख रुपए चोरी में गया है। साथ ही मेरी पैतृक और मेरी परचेज की सभी ज्वेलरी लगभग 75 लाख रुपए की चोरों द्वारा ले जाए। कैसे आप लोगों को पता चला क्या हो गया? घर में आने के बाद मालूम चला। जब ये घटना घटित हुई तब हम घर पर नहीं थे। देखिए, आज शाम को ये कोतवाली पुलिस को एक सूचना मिली। एक व्यापारी है यहाँ पर, इनका ये कहना है कि ये जब शाम को 3:30 बजे आए हैं अपने मकान में, जो अभी ये नए मकान में शिफ्ट हो गए हैं, ये इनका पुराना मकान है, कुछ दिन पहले ही इन्होंने ये मकान शिफ्ट किया है। तो शाम को ये जब आए अपने इस वाले पुराने वाले घर में और जब ये ऊपर गए हैं, तब इन्होंने देखा कि इनके जो कुछ कुंडियाँ थी वो खोली गई थी और अंदर जो एक अलमारी इनकी है स्टोर रूम के अंदर, उस अलमारी को खोल करके इनके कैश और जेवरात जो हैं वो उसमें से इनको गायब मिले। इसी सूचना पे जो है पुलिस एक्टिव हो गई है और जितनी भी चीजें इसमें है सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। कासगंज में मॉडल ग्राम पंचायत भुजपुरा का सांसद राजवीर सिंह और जिलाधिकारी हर्षवता माथुर ने निरीक्षण किया है। साथ ही गांव में कराए जा रहे विकास कार्यों का क्षेत्रीय सांसद ने काफी सराहना की। मौके पर सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया के साथ गंगा सागर सेवा समिति अध्यक्ष श्याम सुंदर गुप्ता मौजूद रहे। शिक्षा के मामले में उत्तम शिक्षा, क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसी भी कोई सरकार आएगी जिसमें फीस फ्री होगी, जूते फ्री होंगे, मोजे फ्री होंगे, किताबें फ्री होंगी, खाना फ्री होगा, कपड़े फ्री होंगे? क्या कभी सोचा था? बोलो। मैं प्राइमरी स्कूल पर क्या आया और डीएम साहब भी सीनियर साहब भी तो मैंने कैसे कहा कि ये कहां पड़े होंगे, बड़े स्कूल पड़े होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सभी लोगों का निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं परम आदरणीय माननीय सांसद जी। हमारे साथ मजबूत आसीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बॉबी कश्यप जी, श्याम सुंदर गुप्ता जी, सीनियर साहब, हमारे समस्त अधिकारी गण, अन्य मंच पर आसीन समस्त सम्मानित अतिथिगण, आज बहुत ही विशेष कारण से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं ग्राम प्रधान जो है उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जो जिस चीज की कल्पना हम लोगों ने हेडक्वार्टर पर बैठकर की थी उसको उन्होंने जमीनी तल पर उतार कर दिखाया है और सिर्फ उतार कर नहीं दिखाया, बहुत बेहतरी से दिखाया है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि एक बार आप सभी लोग हमारे प्रधान जी के लिए ताली बजाएं।
फरुखाबाद में धार्मिक भावनाओं को बीड़ी कंपनी ठेस पहुंचा रही है। दरअसल बीड़ी के रैपर पर भगवान कृष्ण की फोटो लगाकर ये बीड़ी बेचा जा रहा है, जिसके बाद से बीड़ी के रैपर को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है और साथ ही दिलशाद नाम के व्यक्ति के ऊपर पुलिस साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। हंगरपुर निवासी दिलशाद जो इस पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति छाप के पूजा नाम रख के हमारे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना, ये एक गंदा काम किया, उसके विरोध में हम बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलके उस पे मुकदमा दर्ज करवाया थाना जानकी। क्या फोटो पे क्या था? फोटो पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और पूजा नाम। इससे आपको आपत्ति है? जी। पुलिस में क्या कंप्लेंट किया, किस तरह से क्या हुआ? पुलिस में इस पे मैंने मुकदमा दर्ज कराया है धारा के अंतर्गत, और उस पे अभी कार्रवाई एसओ साहब से बात किया, बोले कार्रवाई करेंगे आगे। कासगंज में मानसिक रोगी महिला ने गाली देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वीडियो में आरपीएफ सिपाही के साथ महिला सिपाही भी नजर आ रही है। वही बता दें कि जहां पर गाली देते हुए सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बस्ती जिले के पसरामपुर थाना के पचमोहनी गांव में पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध पिस्तल और कारतूस बरामद किए गए हैं। कल 27 फरवरी को थाना परसरामपुर में एक सीएसी चालक से लूट करने के वक्त उसके पैर में गोली मार करके उसको घायल कर दिया गया था। इस संबंध में थाना परसरामपुर में 307 का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसी क्रम में रात्रि में जब थाना परसराम की टीम और एसओजी की टीम परसरामपुर घटना के संबंध में आसपास पूछताछ कर रही थी, तो एक अपराधी के बारे में जानकारी हुई, जिससे गिरफ्तारी के वक्त उसने पुलिस पर फायरिंग कर दिया। फायरिंग के दौरान पुलिस ने सिखलाई हुई विधि से जब वापस से जवाब दिया, तो अपराधी शिवम सिंह के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज यहां सदर अस्पताल में हो रहा है। और ये बस्ती का ये पूरा मामला बस्ती के थाना परसरामपुर का, जहां पर लगातार बदमाशों के हौसले काफ़ी बुलंद है, जिसको लेकर प्रशासन काफ़ी सख्त नजर आ रही है। और इस दौरान बता दें कि पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर पर गोली लग गई है और साथ ही एक सिपाही भी घायल बताए जा रहे हैं। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए जो बदमाश है उसमें अवैध पिस्तल और कारतूस बरामद किया गया है। बताया जा रहा था ये बदमाश काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, जिसको लेकर प्रशासन बदमाश की तलाश में जुटी हुई थी, और अब उसको लेकर प्रशासन सफलता हासिल हुई है और इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्ती का ये पूरा मामला है, जहाँ पर परसरामपुर में बदमाश और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। यूपी के फतेहपुर में गरीब परिवार को रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास पात्र व्यक्ति को दिया जा रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा पात्र व्यक्ति को ना देकर अपात्र लोगों को आवास दिए जाने की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा अधिकारियों से करने पर ग्राम प्रधान के द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर जाँच कराकर कार्रवाई की मांग की है। फतेहपुर जिले के खांगा तहसील क्षेत्र के ओढ़िया गांव के ग्रामीण कलेक्टर परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि एक महीने पहले ग्राम प्रधान के द्वारा अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है जो पात्र है, और उनका नाम सूची से काट दिया गया है। और ये फतेहपुर का पूरा मामला, जहां पर पीएम आवास का लाभ इनको नहीं मिल रहा है और इनका आवास किसी और को दिया जा रहा है, जिसके बाद से लगातार ये अपनी बातों को लेकर सामने आए हैं और लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इनका इन ग्रामीणों का लगातार ये मांग है, और साथ ही ग्राम प्रधान पे भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि गरीबों के लिए ही लाई गई थी, और ये योजना का लाभ इनको नहीं दिया जा रहा है, और साथ ही ये योजना लोगों को लाभ देते हुए घर किसी और को दिया जा रहा है।
हरदोई के हरपालपुर थाना इलाके में एक युवती ने अपने प्रेमी और उनके परिजनों की धमकी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। युवती के घर में घुसकर इस प्रेमी ने दो दिन पहले ही धमाका किया था, जिससे वे परेशान हो गई थी। धमकाने के बाद से ये युवती काफ़ी परेशान चल रही थी। इस पूरे मामले में प्रेमी समेत तीन लोगों पर FIR दर्ज कर पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं सनसनीखेज वारदात हरपालपुर इलाके के भटौली गांव के बताई जा रही है, जहां पर रहने वाले एक युवक की बेटी जो कि 19 वर्ष की है, यहां उनका गांव के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि युवती की शादी उनके परिजनों ने तय कर दी थी और 3 मई को युवती की कन्नौज जनपद में शादी भी होनी थी। शादी के बाद पता चलते ही युवती का प्रेमी बौखला गया और इस दौरान युवती के घर पर पहुंचकर वे धमकाते हुए नजर आया। प्रेमी ने दो दिन पहले ही घर में घुसकर युवती को धमकी दी है, जिसके बाद से युवती ने आत्महत्या कर ली है। जालौन में दबंगों के हौसले काफी बुलंद है। दरअसल यहां पर युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। बता दें कि गांव के बाहर बाइक पर पेट्रोल पंप पर हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। CCTV फुटेज में ये पूरा मामला कैद हो गया है, जिसके बाद से प्रशासन इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और बता दें कि जालौन में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। सहारनपुर कोतवाली नगर क्षेत्र के जोगियान पुल में बीते कल बता दें कि बीती देर रात दुर्घटना हुई है, जिसमें एक खनन वाहन द्वारा बाइक सवार को टक्कर मार दी गई। टक्कर मारने का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि बीते रात को कोतवाली क्षेत्र के जोगियान पुल पर अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई है। और टक्कर मारने का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। अमेठी में सड़क बनाने की अनोखी तकनीक सामने आई है, जहां पर आम जनमानस से निवेदन किया जा रहा है कि इस तकनीकी को भारत से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। यह कोई गांव देहात की सड़क नहीं है, यह VIP जनपद अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील परिसर के अंदर की यह सड़क है। आप तस्वीरों में देखिए सड़क की स्थिति कितनी जर्जर है, जो कि बगैर तारकोल की बिछाई गई है। वहीं इसी सड़क के प्रतिदिन SDM तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी आवागमन करते हैं, किंतु प्रतिदिन जाने वाले फरियादी स्लिप करके इस सड़क पर चोटिल हो जाते हैं, गिरते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब तक इस सड़क को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भैया क्या नाम है आपका? मैं सतीश कुमार सिंह हूँ। ये आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, इस रोड की स्थिति कैसी है, क्या है मामला इस रोड का? अब रोड तो आपको फरते से दिखाई दे रही है, गिट्टी पड़ी है और मंडलायुक्त आने वाले थे तो आनंद फानंद में इसको जो है गिट्टी से छोड़ दिया गया। पहले से ही ऐसे गिट्टी पड़ी थी, कोई इसमें चिपकी तो थोड़ी थी, जैसे बनाना चाहिए सिस्टमेटिकली उस तरीके से बना नहीं, ये कोरम पूरा किया गया। ऐसे में आप क्या मांग रहे? हम चाहते हैं कि PWD या MLA यहाँ के जो क्षेत्रीय हैं, जो सिस्टम है, सिस्टम इस पर काम करे, सरकार ध्यान दे, रोड सही होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में ये भी देखा जाए, इस रोड पे लोग रोज जो जनता आते हैं वो गिरते हैं, चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, वो भी गिर रहे हैं, तो क्या उनको सुध क्यों नहीं आ रही इस रोड के आगे? नौकरी कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही गौवंश के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और उसके बावजूद भी गौवंश सुरक्षित नहीं है, लेकिन आवारा मवेशी सड़कों पर काल बनकर दौड़ते नजर आ रहे हैं। लोगों को आवारा मवेशियों के चपेट में आने से अपनी जान गंवानी पड़ रही है। वहीं सड़कों पर मौत बनकर घूमते हुए आवारा जानवर, खास करके गौवंश, लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ी खतरा बनकर सामने आए हैं। अनेक स्थानों पर इन आवारा पशुओं के जैसे कब्जा हो गया है और साथ ही जो रास्ते बीचों बीच में है वहाँ धरना मारकर ये आवारा पशु बैठे हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। कैसे हादसा हुआ, क्या घटना? मेरा लड़का पढ़ाने जा रहा था। क्या नाम है इनका? आरपी सिंह। अच्छा, कहाँ पर हुई घटना? ये मालूम है पश्चिम गाँव। घायल होके व्यक्ति आए? ये पश्चिम गाँव राम लखन सिंह के लड़के है। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या नाम भैया इनका? आरपी सिंह नाम है। क्या मामला? अभी जो हमारे पास अभी एक पश्चिम गांव का
पेशेंट लेके आए हैं साथ वाले, और उसको सिर पे थोड़ी चोटें हैं, और साथ वाले यही बता रहे हैं कि उसकी स्कूटी बाइक जो जिससे जा रहा था वो। पीलीभीत में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसमें बदमाश के पैर पर गोली लग गई है। वहीं बिसलपुर पुलिस और एसओजी टीम के साथ ये मुठभेड़ हुई है। रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के दिशा निर्देश पर रायबरेली पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए जनपद में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है, जो कि लगातार होली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जारी है। इसमें छापेमारी में शराब माफियाओं में हड़कंप सा मचा हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने सख्त लहजे में रायबरेली जनपद के सभी क्षेत्र अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध शराब का कारोबार करने वाले अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। आपको बताते चले कि जनपद में सभी क्षेत्रों में ये छापेमारी की जा रही है। हफ्ते होली होने वाली है, और इसमें ये देखा जाता है कि होली के अवसर पे अवैध शराब की बहुत ज़्यादा बिक्री की संभावना रहती है। इस संभावना के मद्देनज़र इस पूरे माह अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, और इसमें पूरे माह में तकरीबन 386 अभियोग पंजीकृत करके 402 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, और 6371 लीटर कच्चिया जो अपमिश्रित शराब है वो बरामद की गई है, और 318 क्विंटल लहन नष्ट कराए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।